हमारे देश में कोविड की महामारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। पूरा देश इस टाइम गूंज उठा है, पूरा देश ये सब कह रहा है कि प्लीज हमें बचा लिया जाए। उनसे पूछो जिनके घरों में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और वो बेहद ज्यादा परेशान हैं, ऑक्सीजन को लेकर लगातार चक्कर काट रहा है कि कहीं से भी हमें ऑक्सीजन मिल सके। हाथ जोड़कर दुआएं मांग रहे हैं, सभी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज हमारे भाई बहन माता पिता या फिर हमारी वाइफ हमारे हस्बैंड इन सबको बचा लिया जाए, मगर ऐसे में कोई भी हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा। ऐसे में एक कंट्री जिसका नाम है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया एक ऐसी कंट्री है जो अपने वादे की बड़ी पक्की है। सऊदी अरबिया ने इंडिया को ऑक्सीजन वगैरह भेजने का फैसला लिया। सऊदी अरबिया ने किया कि चलो ठीक है, हम आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर आपको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। सऊदी अरबिया अपने वादे के पक्के होने के साथ साथ 2 दिन के पहले ही ऑक्सीजन जो है वो इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र करवा दी और सीधे सीधे इंदौर के अंदर उनका जहाज़ इंदौर में लैंड हो गया। फिर वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो जगह जगह राज्यों के अंदर भेजी गई ट्रेनों के द्वारा जगह जगह राज्यों में भेजी गई, जहाँ जहाँ पर जितनी जितनी हिसाब से ज़रूरत है उस अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पर ऑक्सीजन दी गई और उनके मरीजों को बचाया गया। बहुत सारे फैमिली वाले इस टाइम जो है वो उनके लिए प्राउड फील कर रहा है कि सऊदी अरब के ऊपर हमें गर्व है जिस तरह से उन्होंने हमारे फैमिली मेंबर की जान बचाई। आखिरकार हमारे भाई या बहन हमारे रिश्तेदार की कोई और सामने वाला जान बचा ले तो हम उसके बड़े धनी होते, भाई क्या बात है तूने इतना अच्छा जो है वो काम कर दिया। और ऐसे में अब सऊदी अरबिया को इस टाइम गर्व फील किया जा रहा है सऊदी अरबिया पर कि वाकई में इस टाइम कोरोना की महामारी से हर कंट्री जो है वो जूझ रही है, हर कंट्री परेशान है, मगर सऊदी अरबिया ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इंडिया में ऑक्सीजन भेजने का फैसला लिया और 2 दिन के अंदर अंदर ऑक्सीजन जो है वो इंडिया में ट्रांसफ़र करवा दी। असल में जो ऑक्सीजन है वो भेजी कितनी गई, 80 मैट्रिक टन जो है वो कंटेनर्स के रूप के अंदर सऊदी अरबिया ने ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रांसफ़र की और कितने लाखों मरीज जब से लेकर अभी तक ऑक्सीजन की वजह से सांस अच्छे से ले पा रहे हैं, खुल के ले पा रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ उन्होंने नहीं धोए हैं वो बरकरार है। बहुत सारे लोगों ने रिकवर भी कर लिया है कोविड-19। जी हाँ, कोविड-19 से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, मकसद सिर्फ ये था कि हमारा जो इंडिया है उनके पास में कोविड की वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ रही थी, मगर अब ऑक्सीजन जो है वो फाइनली सक्सेस तरह से आ गई है और ऐसे में हमारे आसपास के रहने वाले इलाकों में भी बहुत अच्छे से लोगों ने काम किया जिस तरीके से ऑक्सीजन को जो है वो बांटने का काम किया। ये एक सऊदी अरब के ऊपर गर्व फील कर देने वाली बात है। जिस टाइम कोरोना की महामारी से हर देश लड़ रहा है और उस टाइम सऊदी अरबिया दूसरे की हेल्प कर रहा है, यहाँ पर वाकई में गर्व फील कर देने वाली बात है।